देश के बहुचर्चित कानपुर के बिकरू कांड में यूपी पुलिस और एसटीएफ एक के बाद एक गुनहगारों को गिरफ्त में ले रही है। बीते कल प्रभात मिश्रा के पिता राजेंद्र पुलिस की गिरफ्त में आए। उससे पहले भी कई अपराधी हैं जो या तो खुद सरेंडर करते हुए दिखाई पड़े हैं या फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अब इन सबके बीच में अमर दुबे की पत्नी खुशी का नाम काफी ज्यादा चर्चे बटोर रहा है। खुशी लगातार चर्चा में है। खुशी पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। अमर और विकास के साथ इस पूरी साजिश में खुशी भी शामिल थी, ये आरोप लगाया गया है। अब इन सबके बीच में आपको बता दे, खुशी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और अमर दुबे की दादी इस पर सवाल खड़े करती है। बिकरू कांड से करीब 3 दिन पहले खुशी और अमर दुबे का विवाह हुआ। इनकी शादी के 3 दिन बाद ही बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद एनकाउंटर में अमर दुबे मारा भी गया। नवविवाहिता पत्नी खुशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। खुशी की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में जरूर आई और अमर दुबे की दादी सर्वेश्वरी दुबे इस मुद्दे पर क्या कहती है हम आपको बताते हैं। सर्वेश्वरी दुबे का कहना है कि पुलिस हमें जवाब देने को तैयार नहीं है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने परिवार को बिखरते हुए देख रही सर्वेश्वरी दुबे आंखों में आंसू लिए कहती है, अभी तो हमारे घर में शहनाई की गूंज थमी तक नहीं थी कि मेरा पूरा घर तबाह हो गया। उन्होंने पूछा कि आखिर 3 दिन पहले मेरे घर में आई बहू खुशी का क्या गुनाह है? पुलिस ने मेरी बहू को जेल क्यों भेजा है? अपराधी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पर पुलिस मेहरबान है, लेकिन मेरे घर की बहू को जेल में क्यों डाला है? दादी से हटकर खुशी के माता पिता कहते हैं, अब हमें भी जीने का हक नहीं, क्योंकि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है, हमने एक बेटी को जन्म दिया। हमने परिवार में आने वाली लक्ष्मी का नाम खुशी रखा, इस अरमान से नाम खुशी रखा कि वो जिंदगी भर खुश रहेगी, ये अपने परिवार को खुशियां देगी, लेकिन आज हम बिन औलाद ही होते तो ठीक था। हम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी को देखने जेल चले जाएं। हमें डर है कि हमारी बेटी को पुलिस ने जबरदस्ती आरोपी बनाकर जेल में भेज दिया है। आपको बता दें, खुशी से जुड़े कई दस्तावेज सामने आए हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि खुशी नाबालिग है। खुशी पर बहुत जल्द फैसला भी आएगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।